अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट अफेयर। मैं हूं अदनान जावेद और इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। रिसेंटली आपने बहुत से आर्टिकल पढ़े होंगे और न्यूज़ में भी सुना होगा कि पाकिस्तान को पिछले साल 15 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ। ये एक ह्यूज अमाउंट है और हमारे डिफेंस बजट से भी ज़्यादा है, बल्कि ये अमाउंट उससे डबल है और ये सामने आया है WMO की रिपोर्ट में। नाउ ये लॉस क्यों हुआ और बाकी मुल्कों को कितना लॉस हुआ और WMO क्या है, ये सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में। इस वक्त मैं WMO की वेबसाइट पे हूँ। WMO है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेगी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इनका काम ये है कि दुनिया भर में जो भी क्लाइमेट चेंज आ रहे हैं उनको स्टडी करना, एटमॉस्फेयर को स्टडी करना वगैरह। रिसेंटली उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है और इस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2020। और उसमें उन्होंने ये बताया है कि एशिया में सबसे ज्यादा किस कंट्री को कितना लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में उन्होंने बहुत सी कैटेगरी को रखा है, मतलब खुश्क साली, सैलाब आना, बेमौसमी बारिश। और इसमें आप देखेंगे यहाँ नीचे उन्होंने ग्राफ भी बनाया हुआ है, मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ। ये देखो चाइना को इसमें लॉस हुआ है 237 बिलियन डॉलर का। इंडिया को बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है 87 बिलियन डॉलर। जापान को इसके बाद 83 और पाकिस्तान देखें 15 बिलियन डॉलर, तकरीबन 16 बिलियन डॉलर के आसपास पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। इसके अलावा और एशियन कंट्री जो है बांग्लादेश, इसको 11 बिलियन डॉलर, श्रीलंका और नेपाल को ऑलमोस्ट 1 बिलियन डॉलर के करीब ही नुकसान हुआ है। और याद रहे कि ये पैसा ऐसा नहीं है कि सीधा हुकूमत की जेब से निकल गया है, बल्कि एक लॉस हुआ है मुल्क को, क्योंकि अगर आप देखोगे तो गरीब लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और इसकी एक मेन वजह है खुश्क साली, क्योंकि 2020 एक बहुत ही गर्म तरीन साल रहा है एशिया में और खुश्क साली हुई है पूरे एशिया में। और WMO ये भी कह रही है कि अगर सूरत हाल यही रही तो हो सकता है आने वाले सालों में इस रीजन में फूड शॉर्टेज हो जाए। अब आप पूछेंगे ये तो है लेकिन इसका सलूशन क्या है। देखो इसका सलूशन ये है कि सब मुल्क मिलकर क्लाइमेट चेंज पर काम करें। पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट बिलियन ट्री प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है और अभी के लिए जो भी लोग इसका मजाक बना रहे हैं, याद रखना कि एक दिन यही प्रोजेक्ट पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसके अलावा पानी को भी हमें अभी से स्टोर करना होगा, इसका लॉन्ग टर्म में हमें काफ़ी फायदा होगा। अभी आप कहीं भी जाते हो, वॉशरूम में जाते हो तो आप टूटी ओपन करते हो तो उसी वक्त पानी आ जाता है। लग्जरी है ये, क्योंकि बहुत से ऐसी कंट्री हैं, इवन मैं ये कहूँगा पाकिस्तान के कुछ ऐसे शहर हैं जिनमें पीने के लिए अभी पानी नहीं है, साफ पानी नहीं है। और अगर देखा जाए तो फ्यूचर में अगर वार हुई तो वो होगी पानी पर, इसके लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा।